हेलो एवरीवन, दिस इज प्रगति। वेलकम टू माय चैनल पेट पूजा विद प्रगति सिंह। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा हम बिना घिसे और बनाएंगे कुकर में, और यूज़ करेंगे छोटी वाली गाजर, क्योंकि छोटी वाली गाजर को घिसने में काफ़ी टाइम लगता है तो मोस्टली लोग अवॉइड करते हैं। पर अब इस गाजर के साथ में भी आप बिना ज़्यादा मेहनत किए एकदम टेस्टी और डिलीशियस हलवा बना सकते हैं। पर उसके पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं गाजर का हलवा। गाजर के हलवे के लिए हम यहाँ पे लेंगे गाजर। इसको मैंने पहले से इसको पिल ऑफ लेके इसके छिलके निकाल लिए हैं और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसको करूँगी रफ चॉप्ड। आप देख सकते हैं एकदम रफ चॉप करना है हमें। बस इसके छोटे छोटे से जैसे हम लोग सब्जी काटते हैं उस तरह से इसके पीसेस कर लेना है। और बस ये मैंने पीसेस करके रख लिए हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है कुकर। कुकर में मैं 2 स्पून घी ऐड कर रही हूँ। अब ये घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे खड़ी छोटी वाली इलायची। तो बस यहाँ पे मैंने खड़ी छोटी वाली 3 इलायची ली है। इनको हाथ से यूं ही निकाल के आप देख सकते हैं किस तरह मैं निकाल के डायरेक्ट बिना कुछ पीसे वगैरह ऐसे ही डायरेक्ट डाल रही हूँ। जैसे हम जीरे का तड़का लगाते हैं लाइक उसी तरह हमें करना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे गाजर, और इसको चलाने के लिए हमने एक बड़ा से चम्मच की हेल्प ली है, क्योंकि ये बड़ा वाला जो स्पून है इससे गाजर को प्रेस करने में काफ़ी ईजी रहेगा, तो हम वो यूज़ करेंगे। और इसे धीरे धीरे हम 4 से 5 मिनट हम चलाएंगे। तो बस इसे स्लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट इसी तरह चलाना है। उसके बाद हम कर देंगे कुकर को कवर, लाइक कुकर को हम ढक्कन लगा देंगे और स्लो फ्लेम पे हम 3 से 4 इसकी विसिल लेंगे। तो बस स्लो फ्लेम पे 3 से 4 बार विसिल आ जाए उसके बाद आप प्रॉपर लाइक कुकर को अच्छी तरह ठंडा होने दीजिएगा, फिर इसे हम खोल के देखेंगे। यहाँ 4-5 विसिल आ गई है, अब मैं इसे खोल के देखूँगी। लाइक ऑलमोस्ट गाजर हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ी देर से ही चला के इसमें ऐड करेंगे दूध। दूध मैंने यहाँ पे 1 किलो गाजर ली थी, तो उसमें मैं 1.5 किलो दूध ऐड कर रही हूँ। तो वही 1.5 लीटर दूध हम इसमें ऐड करेंगे, और इसे अच्छे से हमें चलाना है प्रेस करते हुए। बस ये जो स्पून का बैक वाला पार्ट है उससे हमको प्रेस करते हुए इसको अच्छे से चलाना है इस तरह। बस इसी तरह चलाते हुए हाई फ्लेम पे ये प्रोसेस कर सकते हैं आप, बीच में आप छोड़ भी सकते हैं, तो लाइक इस तरह हो जाएगा। बस इसको प्रेस कीजिए आप, तो ये गाजर पूरी इसमें अच्छे से मिक्स होने लग जाएगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो बस ये देख सकते हैं ये धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। जब इतना इस तरह का वो गाढ़ा हो जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। यहाँ मैंने इस 1 किलो गाजर और इसमें 1 कप चीनी ली है, क्योंकि गाजर थोड़ी मीठी पहले ही होती है, तो इसलिए हम 1 कप चीनी ले रहे हैं। फिर आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं चीनी ने अपना आप जो पानी छोड़ा है, इसलिए इस तरह ये ऐसी हलवा दिख रहा है। अब बस बन चुका है हमारा गाजर का हलवा। उसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने थोड़े से बादाम स्लाइसेस, थोड़ी सी किशमिश, थोड़ी सी लाइक पिस्ता, और ये सब सारे मैं ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर रही हूँ। और बस अब इसे आप सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी इजी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन लाइक कमेंट्स के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। तो बस ये रहा हमारा गाजर का हलवा। तो चलिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।